सपना, सपना। आशीष, आशीष क्या हुआ, क्या बात है? वो आदमी। ओह, फिर वही ख्वाब देखा? हूबहू वही ख्वाब, वही काले कोट वाला आदमी, वही घड़ी, वही तस्वीर, वही फूल, फिर वही खून। ओफो आशीष, ये तो सिर्फ एक ख्वाब है। ख्वाब? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि हकीकत में तुमने किसी का खून कर दिया हो। सपना अगर ये ख्वाब है तो मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? कौन है वो काला कोट वाला आदमी जो मेरी जान लेना चाहता है? कौन है वो? है कोई जवाब इस बात का? ओफो आशीष, ये तो सिर्फ तुम्हारा डर है, तुम्हारा वहम है जो एक डरावना ख्वाब बनकर तुम्हारे दिमाग पर मंडराता रहता है। हकीकत में ना ही कुछ ऐसा हुआ है और ना ही हो सकता है। नहीं सपना, मुझे लगता है ये सब मेरे साथ होने वाला है, जिसका पूर्वाभास मुझे हो रहा है। पूर्वाभास? हाँ, ऐसे कहते हैं ना कि जो घटना होने वाली होती है वो कभी कभी हमें ख्वाब में दिखाई देती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मालिक, संजीव साहब आए हैं। संजीव, इतनी सुबह सुबह? हाय संजीव। ओ हाय आशीष। हेलो सपना। हाय। क्या बात है पार्टनर, मैं तो समझ रहा था अब तक तुम ऑफिस जा चुके होगे। लगता है आज छुट्टी बनाने का इरादा है। नहीं यार, यहां तो मेरी छुट्टी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? सपना, लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हैं हमारे यार को। क्या? मैंने इन्हें परेशान किया? अरे जिस दिन मैंने इन्हें परेशान किया ना, उस दिन ये सब कुछ भूल जाएंगे। Oh, you mean total memory lapse? फूल यहाँ किसने रखे हैं? कहाँ से आए ये फूल? ये फूल मैं लेके आया हूँ यार, तेरे लिए। वो फ्लावर पॉट खाली देखी तो सजा दिए। एनी प्रॉब्लम? आई मीन तुझे अच्छे नहीं लगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी ये पीले फूल देखता हूँ ना, पता नहीं मुझे कुछ होने लगता है। ऐसा क्यों है? मगर एक्चुअली आज इन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा, इसलिए परेशान है। ख्वाब? कैसा ख्वाब? वो कुछ नहीं यार, एक डरावना ख्वाब है जो बार बार मुझे दिखाई देता है। देख आशीष, मैं नहीं जानता कि तूने क्या डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन तेरा इस तरह से परेशान हो जाना ये ठीक नहीं है। मेरी बात मान, तू आज ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जाके कंसल्ट कर। हाँ, मुझे यकीन है कि वो तेरे दिलो दिमाग से इस ख्वाब का डर हमेशा के लिए निकाल देगा। सो जाओ आशीष, सो जाओ, अपने दिमाग को ढीला छोड़ दो। देखो तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, सो जाओ। अब तुम सो चुके हो, अब तुम अपने उसी ख्वाब में चले जाओ। आशीष,
तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बोलो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। दीवार पे लगी सारी तस्वीरें तिरछी हो गई हैं और मेज पर एक मैगजीन का नाम बायोस्कोप। मैगजीन के पास एक फूलदान है जिसमें पीले गुलाब हैं और फिर एक आवाज आती है, एक आर्ट सी होती है, किसी के आने की आर्ट। कोई आदमी सामने आता है, काला कोट पहना है, काला चश्मा, काला हैट, फिर वो चाकू निकालता है, उसका एक सोने का दांत चमक रहा है, मुझे मार डालना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है वो। मैं अपनी पिस्तौल निकाल कर जान से मार डालता हूं। रिलैक्स आशीष, रिलैक्स। वो ही आदमी था, मैंने उसे मार डाला। आशीष, वो तो ख्वाब था, हकीकत नहीं। अब आप ही ने समझाइए ना डॉक्टर साहब, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें पूर्वाभास हो रहा है और ये ख्वाब सच होने वाला है। लेकिन डॉक्टर, ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? आशीष, ये ख्वाब नहीं है, ये आपका डर है, आपका वहम है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि ये झूठ है, ये ख्वाब आपका पीछा करना छोड़ देगा। मैं दावा करता हूं आशीष कि ये ख्वाब मैं आपके दिल और दिमाग से निकाल दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सपना, मुझे एक मीटिंग में जाना, देर हो रही है, तुम प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाना, मैं चलता हूं। पीछा कर रहा, तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं पीछे पड़ा हूं तुम्हारे? और मैं तो क्या, हर रोज मेरे ख्वाबों में आते हो, यही काला कोट, यही काला चश्मा, यही हैट। अरे मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी है। हां, अगर तुम चाहते क्या मुझसे? हां, मैं क्या चाहता हूं? आशीष, ओ आशीष, आशीष तुम क्या कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, माफ कर दीजिएगा। चलो आशीष, कम ऑन, चलो। मैं पूछती हूँ आशीष, ये क्या पागलपन है? एक राह चलते आदमी का पीछा करने की क्या जरूरत थी? सपना, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे देख के डर गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काले कपड़े पहना हुआ था? उन काले कपड़ों को देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि वो वही इंसान है जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है ना? वो सपना, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती हो, इसलिए प्लीज प्लीज मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। देख आशीष, मैं नहीं जानता कि तू अपने ख्वाब में क्या देखता है क्या नहीं, लेकिन एक बात कहूं, ख्वाब ख्वाब होता है, वो सच नहीं होता। मेरे ख्वाब सच होते हैं संजीव, हमेशा सच होते हैं मेरे ख्वाब, और मुझे लगता है कि मेरा ये ख्वाब भी सच होगा। मुझे नहीं मालूम था आशीष कि एक मामूली से ख्वाब से तुम इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि पागलों जैसी हरकत करने लगोगे। हाँ हाँ, पागल हो गया हूं मैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, वो इस तरह जानलेवा हमला किसी पर भी कर सकता है। प्लीज कुछ कीजिए, उनके दिमाग से ये डर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, उससे पहले इस बात का पता लगाना जरूरी है कि इसे इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं, उसके बाद ही उस ख्वाब का इलाज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि
इस तरह का ख्वाब उसके सबकॉन्शियस में किसी ने बिठाया है। लेकिन किसने, कौन कर सकता है ऐसा? ये सब तो मैं स्टडी करने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। फिलहाल मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ जिससे उन्हें गुस्सा और घबराहट नहीं होगी और अच्छी तरह नींद आ सके। हेलो। हेलो बेटा, सपना को फोन देना। हाँ सपना, सपना तुम्हारी मम्मी का फोन है। टाइम है लगाने का फोन। मालिक, मैडम तो बाहर गई हुई है संजीव साहब के साथ। संजीव के साथ? मालिक काफी देर हो चुकी है, मैं घर जाऊं। हाँ जाओ। जी मालिक। बाहर गई है वो भी संजीव के साथ। आशीष, आशीष, मैं यहां हूं। आशीष,
आशीष, ये तुमने क्या किया? तुमने सचमुच इस इंसान को गोली मार दी। संजीव, मैंने तुमसे कहा था ना कि सपने भी सच होते हैं। मेरा ख्वाब भी सच हो गया। देखो ना कि मुझे मारने आया था और मैंने इसे गोली मार दी। आशीष, ये कैसे हुआ? अपने ख्वाब से डरकर हकीकत में तुमने इस आदमी को मार डाला? संजीव, अब क्या होगा? पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। हाँ, कर दो पुलिस को फोन। तुम क्या, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूं। मेरा ख्वाब सच हो गया, मैंने उसे गोली मार दी। अब मुझे कोई डर नहीं, मैंने इसे मार डाला। केस क्या है सर? इस ओपन एंड शट केस। मिस्टर आशीष ने खुद कबूल किया है कि मर्डर उन्होंने ही किया है। हमने मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया सर, और उस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी मिस्टर आशीष के ही हैं। कत्ल किसका हुआ सर? ये पता नहीं लग सका है। कत्ल की वजह? मिस्टर आशीष ने कत्ल की जो वजह बताई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आप खुद ही पूछ लीजिए। मिस्टर आशीष, आप इस आदमी को जानते थे? जी नहीं। तो फिर आपने इस आदमी को गोली क्यों मारी? क्योंकि यह आदमी मेरी जान लेना चाहता था। पहले भी कई बार इसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी ख्वाबों में। किसमें? ख्वाबों में। कई बार मेरे ख्वाबों में आकर इसने मेरी जान लेनी चाही। एक महीने से मेरी नींद हराम कर दी थी इसने। आज रात ही हकीकत में आ गया और मैंने इसका खून कर दिया। तो आपका मतलब ये हुआ कि आपने इस आदमी को गोली सिर्फ इसलिए मारी कि ये आपके सपने में आकर आपकी जान लेना चाहता था? जी हाँ सर। या तो ये आदमी पागल है या फिर हम लोगों को पागल बनाना चाहता है। श्रीवास्तव को सुराग मिला? नो सर। सर इसके पास से कोई पर्स या कार्ड कुछ भी नहीं मिला, ना ही इसके कपड़ों पर कोई लॉन्ड्री मार्क मिला और ना ही टेलर का कोई टैग। सर इसे घर में भी कोई नहीं पहचानता है। मिस्टर आशीष, इस आदमी को गोली मारने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि ये आदमी यहां क्यों आया है, कौन है ये? सोचने या जानने की जरूरत ही नहीं थी। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था जो चीख चीख के कह रहा था कि वो मेरी जान लेना चाहता है। और वो आपकी जान क्यों लेना चाहता था ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो वही बता सकता था और वो मर चुका है। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर भारत, मैं कुछ नहीं जानती वो आदमी कौन था और यहां क्यों आया था। वैसी लेकिन सपना जी, आप इतना तो जानती होंगी कि जब मिस्टर आशीष ने यह खून किया उस वक्त आप कहां थी? मैं? आपके नौकर का तो कहना है कि जिस वक्त मिस्टर आशीष जागे उस वक्त आप वहां पर मौजूद नहीं थी। जी हाँ, हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, डॉक्टर वर्मा के पास। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वर्मा? जी हाँ, वो ही आशीष का इलाज कर रहे थे।
तो आपका मतलब ये हुआ कि शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक में थे? जी नहीं, डॉक्टर वर्मा से मिलने के बाद हम दोनों फिल्म देखने चले गए थे। फिल्म देखने चले गए? बात को समझ में नहीं आई मेरे। सपना जी, आपके पति यहां बीमार पड़े हैं, दवाइयों पर हैं, और आप किसी गैर मर्द के साथ फिल्म देखने चली जाती हैं? दरअसल बात यह है कि वो टिकट्स आशीष ही लेकर आया था, पर वो नहीं जा पाया, इसलिए हमने सोचा हम दोनों देखकर आते हैं। अच्छा, एनीहाउ मिस्टर संजीव, आप ये बताइए कि आप इस आदमी को पहचानते थे? जी हाँ, इस आदमी का हुलिया हूबहू वैसे ही है जैसे आशीष ख्वाब में देखा करता था। काला कोट, काला हैट, काला चश्मा, दाढ़ी मूछ, सब कुछ वही। बड़े ताज्जुब की बात है कि मिस्टर आशीष ने जिस आदमी को कभी देखा ही नहीं है वो उनके ख्वाब में आ रहा है। हो सकता है ये इत्तफाक हो, और इसी इत्तफाक की वजह से उस आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। ये भी तो हो सकता है सपना जी कि मिस्टर आशीष इस आदमी को जानते हो और जानबूझकर इस बात का प्रोपोगंडा कर रहे हो कि इसी हुलिया का आदमी उसे मारना चाहता है, ताकि जब उसे मारें तो उनका केस स्ट्रांग हो जाए। आपका मतलब यह है कि आशीष ने जानबूझ के इस आदमी को मार दिया? मेबी। यानी कि वो झूठ बोलता था कि उसने ख्वाब में ऐसे किसी आदमी को उसका कत्ल करते हुए देखा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आशीष ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है सपना जी कि मिस्टर आशीष सच बोल रहे हैं। सबूत तो नहीं है इंस्पेक्टर भारत, लेकिन गवाह है। एक ऐसा गवाह जो सच और झूठ में फर्क भी कर सकता है। और वो कौन है? डॉक्टर वर्मा, साइकेट्रिस्ट। जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, आशीष ख्वाब में हमेशा यही देखता था कि कोई काले कोट वाला उसका खून करना चाहता है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब हम अपने पेशेंट को ट्रांस में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तो वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन अगर आशीष सच बोल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी या जो घटना अभी हुई नहीं वो अपने ख्वाब में पहले से ही देख रहा है? ये बात तो है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह की घटना हूबहू इससे पहले भी ऐसे ही माहौल में घटी। क्योंकि आशीष को मेमोरी लैप्सेस के दौरे पड़ते थे, हो सकता है इसलिए वो भूल गए। और चूंकि ये घटना उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह गई हो, इसीलिए उसे इस तरह के ख्वाब आते हैं। सर, मरने वाले की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन एक हैरत अंगेज बात हमें यह पता चली है कि मरने वाले की दाढ़ी नकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि मरने वाला जानबूझकर उसी हुलिये में आया था जिस हुलिये का आदमी मिस्टर आशीष ख्वाब में देखता था। यू मीन सर कि ये सब कुछ प्रीप्लान था? लेकिन कोई शख्स अपने ही मरने का प्लान, अपने ही मर्डर का प्लान खुद क्यों मनाएगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये कि वो शख्स जानता था कि आशीष को किसी काले कोट वाले से बहुत डर लगता है, उससे वो बहुत खौफजदा है, लेकिन फिर उसने अपने मरने का सामान खुद क्यों तैयार किया? सर ये मामला कुछ जरूरत से ज्यादा ही उलझता जा रहा है। और ये उलझन तब सुलझेगी जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मरने वाला कौन था। राइट सर। और उसके वहां आने का मकसद क्या था? श्रीवास्तव सर, कोई और क्लू? सर, हमें एक बात यह पता लगी है कि मरने वाले के एक दांत पर गोल्ड कैप चढ़ाया गया था, और हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो कैप काफी नया था। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने 2 दिन पहले ही मेरे क्लिनिक में अपने एक दांत के लिए गोल्ड कैप करवाया था। Are you sure? 100% इंस्पेक्टर। मगर एक अजीब बात है, जिस दांत के लिए इसने कैप करवाया था वो दांत तो बिल्कुल ठीक था, यानी कि उसमें कैविटी नहीं थी।
इसी, इसका मतलब ये हुआ कि इस मास्टरमाइंड ने नकली दाढ़ी की तरह नकली दांत भी चेंज करवाया। अच्छा, बाय द वे, आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, ये नीलेश है, नीलेश दवे। इसकी वाइफ प्रमीला केयर नर्सिंग होम में नर्स है और इसीलिए इसे मैं पर्सनली जानता हूँ। वाइफ का क्या नाम बताया आपने? प्रमीला दवे। क्यों, नीलेश ने कोई गैर कानूनी काम किया है? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर सकता है? बिल्कुल, उसे इजी मनी चाहिए, हराम की कमाई, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी का कत्ल भी? कत्ल? क्या नीलेश ने किसी का कत्ल कर दिया? नहीं, नीलेश कभी किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि खून करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो नीलेश कभी नहीं कर सकता। और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कमाल है मिसेस दवे, आपके पर्स में अखबार पड़ा और आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं। इसमें एक न्यूज आई कि एक अज्ञात व्यक्ति की कोई आशीष नामक आदमी ने हत्या कर दी। हाँ पढ़ा है, लेकिन इन सब का नीलेश से क्या संबंध है? मिसेस दवे, वो अज्ञात व्यक्ति, वो दाढ़ी वाला, कोई और नहीं, आपके पति मिस्टर नीलेश दवे थे। क्या? आपके पति और मिस्टर आशीष की कोई दुश्मनी थी? आशीष? जी नहीं, मैंने आशीष का नाम नीलेश के मुंह से कभी नहीं सुना। अच्छा, ये बताइए कि सपना या मिस्टर संजीव नाम से आप वाकिफ हैं? जी नहीं, कौन है बोलो? इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर आशीष का नीलेश के साथ दूर दराज कोई रिश्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो उसे मारने क्यों गया, उसका खून करने क्यों गया? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, ये सब, और वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं मिसेस दवे। एनीहाउ मैं चलता हूँ मिसेस दवे। अगर आपको नीलेश से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के बारे में कोई भी शक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिए। ओके? मैं कोशिश करूंगी। ये जरा, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये अखबार रखना चाहता हूँ। जी हाँ, कई बार पेशेंट की बातों का साइको एनालिसिस करने के लिए हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मिस्टर आशीष का पूरा कन्फेशन हमने टेप किया है। डॉक्टर वर्मा, वो कैसेट मुझे मिल सकती है? श्योर। डॉक्टर वर्मा, ये बड़ा अच्छा आर्ट फॉर्म, ये मछली है ना? जी नहीं, ये आर्ट नहीं है, इसे डूडल्स कहते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में कई बातें साथ साथ चलती रहती हैं, जिन्हें हमारे हाथ सबकॉन्शियसली पेपर पर उतार देते हैं। वैसी तो किसी के साइको एनालिसिस में आपके डूडल्स काफी काम आ सकते हैं। जी हाँ, हर आदमी अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाता है, कुछ लोग साइन बनाते हैं, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं, और हम साइकेट्रिस्ट कई बार इसे डिफाइन कर लेते हैं। ओह आई सी, तब तो डॉक्टर वर्मा ये डूडल्स हमारे भी काम आ सकते हैं, मुजरिमों को पकड़ने के लिए। जरूर, कभी फुर्सत से आइएगा, मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। श्योर। अच्छा, वो कैसे देने वाले थे कुछ आप? जी, माय गॉड, क्या हुआ? वो कैसेट यहां नहीं है। व्हाट? मुझे लगता है कि कोई वो कैसेट उठा के ले गया है। यहां से कैसेट कौन उठा के लेके जा सकता है? Anyhow, thank you very much. Nice meeting you. I'll see you later.
बड़े ताज्जुब की बात है, आपके ऑफिस से कैसेट जा कहां सकता है? लेकिन इस कत्ल से उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिसेस खुराना, बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर वर्मा ने मिस्टर आशीष की एक कन्फेशन से रिकॉर्ड की थी, जिनमें मिस्टर आशीष के ख्वाबों की पूरी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन वो कैसेट डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक से अभी गायब है। क्या? कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते इंस्पेक्टर के हमने वो कैसेट चुरा लिया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मिस्टर संजीव कि मिस्टर आशीष ने ये कत्ल नहीं किया। आशीष ने कत्ल नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर आशीष से ये कत्ल करवाया गया है, और जिस किसी ने ये कत्ल करवाया है वो अच्छी तरह जानता था कि मिस्टर आशीष ख्वाबों से डिस्टर्ब थे, और उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। लेकिन किसने? किसने? You are great, darling, great. क्या प्लान बनाया तुमने? पुलिस तो यही सोचती रह जाएगी कि ये सारा चक्कर उस रईस आदे आशीष को फंसाने के लिए चलाया गया था। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उसके पागलपन का फायदा उठाकर अपने रास्ते के कांटे को निकाल दिया। क्यों डार्लिंग, अब तो मानती हो उस दिमाग को कि ये मास्टरमाइंड है? ओ यस डार्लिंग, मान गई तुम्हें। क्या खूबसूरती से काम किया है तुमने। और वो निलेश कहता था जान दे दूंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा। चलो, उनकी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दी। लेकिन एक बात तो बताओ डार्लिंग, तुमने उसे सारे चक्कर में फंसाया कैसे? बहुत आसानी से। एक दिन रास्ते में मैंने उसे लिफ्ट दी, अपनी बातों में उलझाया और क्लिनिक ले आया। देखो निलेश, मुझे एक पेशेंट के इलाज के सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? अपन क्या मदद करेगा डॉक्टर साहब, अपने को खुद को मदद की जरूरत है। निलेश, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगा। 5,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। 5,000? करना क्या होगा? एक आदमी को डराना होगा। डराना है? बोले तो वो बेचारा हमेशा ख्वाब में देखता है कि एक काले कोट वाला उसे मारने आ रहा है। तुम्हें वही काले कोट वाला बनकर उसे डराना होगा, और जब वो बुरी तरह डर जाए तुम उसे असलियत बता दोगे। इससे उसके हमेशा हमेशा का डर खत्म हो जाएगा। ये तो एकदम बहुत सिंपल काम है, लेकिन बहुत सीक्रेट है। इस बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना होगा। डॉक्टर साहब, 5,000 रुपया मिलने के बाद तो अपन खुद अपना नाम भी किसी को नहीं बोलेगा। अब बताइए करना क्या होगा। मैंने आशीष की सारी हकीकत निलेश को इसलिए बता दी कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कोई गड़बड़ ना हो, और लोग यही समझें कि मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। और उसके बाद उस रात तुमने वैसा ही माहौल क्रिएट किया जैसा आशीष ख्वाब में देखा करता था, और उसने वही किया जो वो ख्वाब में किया करता था। यस। जो आदमी राह चलते काले कोट वाले से झगड़ा कर सकता है तो वो घर आए हुए काले कोट वाले का कत्ल कर सकता है, और वही उसने किया। लेकिन डार्लिंग, तुमने बहुत कोशिश की कि लाश की शनाख्त ना हो, लेकिन वो इंस्पेक्टर भारत कुछ ज्यादा ही चलाक निकला। वो सोने के दान से मुझ तक पहुंच गया। घबराने की बात नहीं है पम्मी डार्लिंग, जब तक वो हमारा रिश्ता नहीं निकाल सकता सर पटकता रह जाएगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और वो हमारे ताल्लुक का पता भी नहीं कर पाएगा। यस डार्लिंग, तभी तो हम इस सुनसान जगह में मिलते हैं दुनिया से छुपकर। लेकिन डार्लिंग, अगर वो यहाँ तक आ गया तो? इम्पॉसिबल, वो हमारे इस लव पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता है। वाह डॉक्टर साहब वाह। लोग
तो सोते हुए ख्वाब देखते हैं, लेकिन आप जागते हुए, और ये समझ लेते हैं कि ये दिन में देखा हुआ ख्वाब जरूर पूरा होगा। ओ, इंस्पेक्टर भारत। यस, इंस्पेक्टर भारत। डॉक्टर वर्मा, मिस्टर मास्टरमाइंड, क्या गजब की चाल चली थी आपने, वाह! लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए आप। अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि आपका और मिसेस प्रमीला नीलेश दवे का कोई चक्कर है, तो मैं तो चक्कर में पड़ गया था कि आखिर ये चक्कर क्या है, कि मिस्टर आशीष को फंसाने की चाल है या फिर। एक बात बताऊं डॉक्टर वर्मा, सुई की एक छोटी सी नोक इतने बड़े गुब्बारे को एक सेकंड में फाड़ के रख देती है। ठीक वैसे ही मुजरिम की एक छोटी सी गलती उसको नेस्त नाबूद कर देती है। कैसी गलती? ये डूडल्स। आपने उस दिन सिखाया था ना, वो भी बड़े डिटेल में, कि हर आदमी डूडल अलग अलग बनाता है। शायद याद होगा आपको डॉक्टर वर्मा, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता डॉक्टर वर्मा कि एक दिन पहले हूबहू ऐसे ही डूडल्स मैंने मिसेस प्रमीला जी के घर पे न्यूज़पेपर पे पाए। मैंने ये सोचा कि डॉक्टर वर्मा के बनाए हुए डूडल्स यहां तक कैसे पहुंचे, तब मेरा माथा खनका। मैंने सोचा हो ना हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। मैंने आप दोनों के पीछे एक आदमी लगा दिया और आज मैंने आप दोनों को यहां रंगे हाथ पकड़ लिया। माफ करना इंस्पेक्टर भारत, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और माफ करना डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा अगर अपने पेशेंट का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है तो इंस्पेक्टर भारत भी अपने मुजरिम का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन वो डॉक्टर वर्मा की तरह वो कैसेट खोएगा नहीं, उसे संभाल के रखेगा, और उसके बाद डॉक्टर वर्मा को हिरासत मिलेगा। आई अरेस्ट बोथ ऑफ यू। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद मिले हो मिस्टर आनंद चोपड़ा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब वक्त आ गया है दीपक, उन दोनों से तुम्हारी मौत का बदला लेने का। जानते हो मुझे आनंद चोपड़ा मिल गया है, उसने अखबार में इश्तिहार दिया था कि उसे एक गवर्नेंस की जरूरत है। कल उससे मिलने जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी,
क्योंकि उसकी कमजोरी है खूबसूरत औरतें, और मैं इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। शालिनी वर्मा, यह है मेरा बायोडाटा। थैंक्स। सर, ये आपके पैरों को क्या हुआ? एक्सीडेंट। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगे बेकार हो गई। वैसे तो मेरा और इस घर का दोनों का ख्याल रख लोगी? मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये काम बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत लगन के साथ करूंगी। जरूरत तो मुझे भी तुम जैसी गवर्नेंस की है। तनख्वाह कितनी लोगी? इसका मतलब आपने मुझे ये काम दे दिया? तनख्वाह तैयार करना बाकी है। थैंक यू वेरी मच सर। डैडी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। सॉरी बेटा, ये शालिनी है। शालिनी, ये मेरी बेटी दिव्या है। हेलो। देवा बेटा, आज के बाद तुम्हें मेरे खाने पीने और इस घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शालिनी इस पूरे घर को संभाल लेगी। ओ, तो आप जॉब के लिए आई हैं? नई गवर्नेस? जी। एक और। क्या करूं, इकलौती है ना, बड़े लाड प्यार से पली है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एनीवे, गोपाल जी, मेम साहब को इनका रूम दिखा दो और सारा काम समझा दो। जी अच्छा, आइए मेम साहब। शालिनी जी, तनख्वाह तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो की बेटी है? हाँ, पागल है। बापू, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप उसे ढूंढते क्यों?
क्यों नहीं है? चुप हो जा बेटी, मैं तेरा दुख समझता हूँ। मेरा दुख समझते तो उसे ढूंढते क्यों नहीं है बापू? क्यों नहीं ढूंढते उसे? बेटी, कल वो यहाँ आ रहा है। इसी दिन के इंतजार में मैं पिछले 5 सालों से आनंद की गुलामी कर रहा हूं। अब कि वो जिंदा नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप दवाई खा लीजिए, मैं चलती हूँ। शालिनी, एक मिनट। वो मैंने गोपाल से ऊपर वाला बेडरूम साफ करने के लिए कहा था, तुम जरा पर्सनली चेक कर लेना कि उसने ठीक कर दिया है कि नहीं। दरअसल कल मेरा एक जिगरी दोस्त महेश ठक्कर दिल्ली से आ रहा है। रहने दीजिए, मैं ले लेता हूँ। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। कैसे हो आनंद? वेलकम वेलकम महेश, वेलकम वेलकम मेरे दोस्त। पूरे 5 सालों के बाद मिल रहे हैं हम। तो देख नहीं रहा मैं कितना खुश हूं। बैठ। अब कुछ दिन तो रहेगा ना यार। चिंता मत कर, मेरी वापसी तेरे हाथों में। ये हुई ना यारों वाली बात। तू नहा धोकर फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। फ्रेश तो हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। बेडरूम में चलकर चल, फिर बेडरूम में चलते। ओ शालिनी, शालिनी ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, महेश ठक्कर। हेलो। हेलो महेश, ये मेरी और घर की देखभाल करती है। शी इज अ वेरी एफिशिएंट लेडी। She is not only efficient, but beautiful too. सर, वो आज रात के खाने के लिए मैं क्या बनवा दूँ? भाई आज मेरी पसंद का नहीं, मेरे दोस्त महेश की पसंद का खाना बनेगा। तुम एक काम करो, जरा गोपाल से पूछ लो क्या बनाना है। जी अच्छा। महेश, काम। Very beautiful, Anand. चलो। वेरी ब्यूटीफुल। अरे यार तुम भी। मैंने सोचा भी नहीं था मिस्टर महेश ठक्कर कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी, दूसरी और आखिरी। क्या नाम बताया उस लड़की का? शालिनी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। यार महेश, तुम्हें तो हर खूबसूरत लड़की की शक्ल जानी पहचानी दिखाई देती है, क्यों? तो तुम देवे की शादी करो।
जरूर जरूर लाओ भाई। Take care, it's hot. ये क्या बात भेजी है? मैंने कहा था ना इस पागल को गोली मार दूंगा। बैठो, प्लीज सिट डाउन महेश, आई एम सॉरी, टेक इट इजी, बैठो बैठो, प्लीज, टेक इट इजी महेश, पागल है वो, पियो, पियो बेटा। आप लोग प्लीज कैरी ऑन करें, मैं जरा अंदर किचन में देखकर आती हूँ कि कहीं गोपाल कुछ गैस पे भूल तो नहीं गए। श्रीवास्तव सर, डॉक्टर पुरी। हेलो। यस डॉक्टर,
मेरे पहुंचने से पहले मौत हो चुकी थी। मौत की वजह शायद जहर। मिस्टर आनंद चोपड़ा जी, आपका मरने वाले से क्या रिश्ता था? जी, मरने वाला मेरा जिगरी दोस्त था। व्हाट्स हिज नेम? महेश ठक्कर। ये हादसा कैसे हुआ चोपड़ा साहब? जी, महेश आज शाम को 4 बजे के करीब दिल्ली से बंबई आया था। उसके बाद हम डिनर टेबल पे बैठे, उसके बाद मेरा नौकर गोपाल सूप लेकर आया कि अचानक उसकी बेटी बेला, जो कि पागल है, उसने महेश पर हमला कर दिया। हाथापाई में गोपाल उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। उसके बाद हमने सूप पीना शुरू कर दिया। अचानक महेश के मुंह से झाग निकलने लगी और ये जमीन पर गिर गया स्पर्श। यानी जहर सूप में था। जी शायद। मिस्टर चोपड़ा, ये सूप बनाया किसने था? जी, मेरे नौकर गोपाल ने। गोपाल यानी आप? डिनर टेबल पे आपके अलावा और कौन कौन बैठा हुआ था? जी, मैं था, मेरी बेटी दिव्या, शालिनी और महेश। जरा पोजीशंस बताएंगे आप? जी, मैं यहां बैठा था आपके पीछे इंस्पेक्टर साहब। यानी यहां आप बैठे हुए थे? जी, और वहां लेफ्ट साइड पे मेरी बेटी दिव्या बैठी थी। यानी यहां आपकी बेटी दिव्या। और वहां मेरे सामने मेरी गवर्नेस शालिनी। शालिनी जी यहां, आपकी गवर्नेस। जी इंस्पेक्टर। यानी आपका दोस्त यहां बैठा हुआ था। जी इंस्पेक्टर। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। और मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बंगले से बाहर कोई नहीं जाएगा। जैसा आप कहेंगे इंस्पेक्टर। थैंक यू। श्रीवास्तव सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और ये तमाम सूप बॉल्स को लेबोरेटरी भेजो टेस्ट के लिए। ओके। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर, पोस्टमार्टम और लैब दोनों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो तुम? सर, मैं अभी अभी लैब से निकला हूँ रिपोर्ट्स कलेक्ट करके। आनंद चोपड़ा घर में पहुंचो, वहां मिलता हूँ तुम्हें। ओके सर, बाय।
कमाल का निशाना है आपका शालिनी जी। पहला कत्ल डिनर टेबल पे, अब दूसरा क्या नाश्ते के टेबल पे करना चाहती हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस यही देख रही थी कि क्या इस तरह भी कोई खाने में जहर मिला सकता है। शालिनी जी, कोई जरूरी नहीं है कि गोपाल जब किचन से सूप लाया हो तो उसमें जहर मिलाकर लाया हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई शख्स जो जिसका निशाना आपकी तरह अचूक हो उस सूप में जहर मिला सकता है। क्वाइट पॉसिबल। मैं आपसे और भी कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मिस्टर आनंद चोपड़ा से मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं वो? अपने कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, कातिल इसी घर में मौजूद है, लेकिन कौन है ये मैं कह नहीं सकता। ये आपका नौकर गोपाल, ये कितने अरसे से काम कर रहा है आपके पास? जी तकरीबन कोई 12 साल से। आपने बताया था कि उसकी बेटी पागल है? जी, उसकी बेटी ने महेश ठक्कर पे हमला किया। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ऐसे दौरे अक्सर उसे पड़ते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। ये बताइए कि गोपाल की बेटी क्या बचपन से ही पागल है? जी नहीं, तकरीबन कोई 5-6 साल से। किसी खास हादसे की वजह से ये पागल हो गई थी? जी मुझे कुछ नहीं पता। आप कुछ घबरा से गए चोपड़ा साहब, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर आपको नहीं पता कि वह पागल क्यों हुई थी, कोई बात नहीं, गोपाल को पता होगा, उससे पूछ लेते हैं। मेरी बेटी क्यों पागल हुई, इससे आपको क्या लेना देना? लेना देना है गोपाल बाबू, बहुत गहरा ताल्लुक। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि तुमने महेश ठक्कर का खून किया। तुमने महेश ठक्कर के सूप में जहर क्यों मिलाया? तुमने महेश ठक्कर का खून क्यों किया गोपाल? तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी पागल बेटी ने महेश ठक्कर पे हमला क्यों किया? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने महेश ठक्कर का खून क्यों किया? तुम्हारी बेटी के पागलपन का महेश ठक्कर से कोई ताल्लुक है? क्या वो जिम्मेदार है तुम्हारी बेटी के पागलपन का? देखो गोपाल, पुलिस से कभी झूठ नहीं बोलना। तुम टोटली फंस चुके हो, इस सजा से बच नहीं सकते। खून तुमने किया, सच सच बताओ। मैं कहता हूं गोपाल, सच बताओ। हाँ हाँ, महेश ठक्कर वही कमीना इंसान है जिसकी वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, और उसी वजह से मैंने सूप में जहर की गोली मिलाकर उसे जान से मार डाला। पांच साल पहले भी यहां आया था, 5 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को रात की रसोई बनाने के लिए भेज दिया, और ये महेश ठक्कर शराब के नशे में मेरी बेटी की मजबूरी का, अकेलेपन का फायदा उठाने के उसने मेरी बेटी को अपने हाथ का शिकार बना दिया। मेरी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो पागल हो गई, और आनंद साहब ने भी उसी की मदद की, रातों रात उसे घर से भगा दिया, और इसी दिन के इंतजार में मैं खामोश रहा। एक न एक दिन मौका मिलने पर मैं उसे अपने हाथों से इसकी सजा दूंगा, इसलिए मैंने जहर की गोली उसके सूप में मिलाकर उसे जान से मार डाला। लेकिन वो जहर तुम्हें कहां से मिला? वो आनंद साहब के कमरे में जहर की एक शीशी है, मैंने उसमें से एक गोली चुराई और सूप में मिलाकर उसे खिला दी, उसे जान से मार डाला। ये शीशी मुझे
चोपड़ा साहब के बेडरूम से मिली। इसमें से एक टैबलेट गोपाल ने चुराई और महेश ठक्कर के सूप में मिला दी और गोपाल अपना जुर्म कबूल कर चुका है। पॉइजन 10 टैबलेट्स। एक टैबलेट गोपाल ने चुराई, 9। इसमें तो 10 होनी चाहिए, तो एक टैबलेट किसने चुराई? आपने? नहीं नहीं, आपने वो टैबलेट नहीं चुराई, वो दूसरी टैबलेट, क्योंकि आपके सूप में भी जहर था। जी हाँ, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके सूप में जहर था, यानी कोई आपको भी मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? कहीं आप मैं शालिनी को क्यों मारना चाहूंगी? ये झूठ है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी बेटी पर यूं बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। डैडी, चोपड़ा साहब, डैडी आपने क्या किया? चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, आपने क्या किया? चोपड़ा साहब, घबराइए मत इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जहर की नहीं है, शुगर फ्री टेबलेट्स है। सिर्फ शीशी जहर की थी इंस्पेक्टर साहब। हुआ यूं था इंस्पेक्टर साहब कि मेरी टेबलेट्स की शीशी टूट गई थी, इसलिए मैंने ये टेबलेट से शीशी में डाल दी थी। मैं डायबिटीज का मरीज हूं, इसीलिए अक्सर ये गोलियां चाय में डालकर पीता रहता हूं। गोपाल झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। नहीं साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे शालिनी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो गोली जो मैंने महेश ठक्कर के सूप में डाली थी वो इसी शीशी में की थी। इसका मतलब यह है कि महेश ठक्कर की मौत मेरी गोली देने की वजह से नहीं हुई, उन्हें किसी और ने मारा है। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। गोपाल बेकसूर है इंस्पेक्टर। महेश को जहर मैंने दिया था, और अगर आज मैं बच गई होती तो आनंद चोपड़ा को भी मार देती। गुड। वैसे क्या दुश्मनी है आपकी इन दोनों से? 5 साल पहले की बात है, मेरी और दीपक की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। हम दोनों रात को पार्टी से लौट रहे थे और अचानक अलीबाग के सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी खराब हो गई।
दीपक और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अपनी गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगा। कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ यार। Are you tired? Yeah, I'm bored. करता हूँ जल्दी से कर। अरे पापे। बंद बंद कर दे। हो जाएगा चिंता की कोई बात नहीं। दीपक देखो कुछ लोग आ रहे हैं, हो सके हमारी मदद कर सके। हाँ देख, जितनी देर मैं देखता हूँ तुम देखो क्या है। तो सारा ऑयल टपक रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके। चल हम लोग ठीक हैं दीपक। भाई साहब हम लोग की गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं भाई, इस वक्त तो यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है और ये है मेरा दोस्त महेश ठक्कर। नहीं हम लोग कोई डाकू लुटेरे तो नहीं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे सुबह मैकेनिक मुझे मिस्टर आनंद चोपड़ा। चोपड़ा साहब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि शालिनी सच बोल रही है नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पे ये साफ लिखा है कि शालिनी सच बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब क्या सचमुच मेरे सूप में जहर था? जी हाँ, आपके सूप में वाकई जहर था। मेरे पास लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। साथ यानी शालिनी जी के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? वही इंस्पेक्टर जो एक कातिल के साथ कानून करता है, और आपके साथ जिसने एक नहीं दो दो जुर्म किए। लेकिन इंस्पेक्टर आपके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिसके बलबूते पे आप यह साबित कर सके कि शालिनी की कहानी सच्ची है। ऑलराइट, ये मानता हूं कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन अलबत्ता इस बात का सबूत है, मैं ये साबित कर सकता हूं कि शालिनी ने नहीं आपने अपने दोस्त महेश ठक्कर का खून किया है। What nonsense! शालिनी जी ने उस सूप में जहर मिलाया जरूर था चोपड़ा साहब, लेकिन महेश ठक्कर ने वो सूप नहीं पिया। महेश ठक्कर ने वो सूप पिया जिस सूप बॉल में जहर आपने मिलाया था। भला मैं ठक्कर के सूप में जहर क्यों मिलाऊंगा इंस्पेक्टर? अब क्यों मिलाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे मिलाया था ये मैं आपके सामने डेमोंस्ट्रेट जरूर कर सकता हूं। गौर कीजिए।
आप यहां बैठे थे, आपके ठीक सामने शालिनी जी बैठी थी और इस तरफ मिस्टर महेश ठक्कर बैठे हुए थे। मान लीजिए कि ये महेश ठक्कर का सूप बाउल है और ये आपका। शालिनी ने वो टैबलेट उछालकर किसी तरह महेश ठक्कर के सूप बाउल में जहर मिला दिया। आपने नजर बचाकर अपने सूप बाउल में जहर मिलाया और आपने झगड़े का और मौके का फायदा उठाकर ये टेबल इस तरह से घुमा दिया। आपका सूप बाउल ठक्कर साहब के पास चला गया और ठक्कर साहब का जहर से भरा सूप बाउल शालिनी जी के पास चला गया। अब बड़ा मेहरबानी चोपड़ा साहब, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने महेश ठक्कर को क्यों मारा? क्यों मारा आपने महेश ठक्कर को? मैं आपसे पूछ रहा हूं चोपड़ा साहब, आपने महेश ठक्कर को क्यों मारा? क्योंकि उसकी गंदी नजर मेरी बेटी पर टिक गई थी। जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको मारने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था इंस्पेक्टर। उसे मैंने ही मारा है उस दिन डिनर से पहले। देखो आनंद, 2 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। मैं मानता हूं ये रुपया तुमने फिल्म बनाने के लिए लिया था और वो बदकिस्मती से बीच में ही बंद हो गई। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे मेरा रुपया वापस चाहिए। मुझे 5-6 महीने का वक्त तो दे दे यार। नहीं आनंद नहीं, 5-6 महीने में तू इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाएगा। एक काम करो, ये बंगला मेरे नाम कर दे। इतना बेरहम मत बन यार, ले देकर एक बंगला तो बचा मेरे पास। मैं दिव्या को लेकर कहां जाऊंगा? दिव्या की शादी भी तो करनी है। एक रास्ता है आनंद, तेरा कर्ज भी माफ हो जाएगा, ये बंगला भी नहीं बिकेगा और दिव्या की शादी भी हो जाएगी। कौन सा रास्ता महेश? दिव्या मुझे बहुत पसंद है, उसकी शादी मुझसे कर दे। उसी वक्त मैंने महेश को मारने का फैसला किया। मैंने अपने सामने रखे सूप में जहर मिला दिया और जैसे ही गोपाल की पागल बेटी बेला ने आकर हंगामा किया, मैंने मौके का फायदा उठाकर टेबल घुमा दी। सो मिस्टर आनंद चोपड़ा, आपने और आपके दोस्त महेश ठक्कर ने मिलकर बहुत जुर्म किए और आप दोनों को आज एक साथ सजा मिल गई। अपने दोस्त को आपने जान से मार दिया, अब आपको सजा अदालत देगी। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम।